नमस्ते, दिल अल्लन टॉप इस वक्त गुजरात चुनाव यात्रा पर है, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात मगरमच्छों से करवाते हैं। हम इस वक्त वडोदरा में हैं, जो कि काफ़ी बड़ी सिटी है और एक तरीके से गुजरात की तीसरी राजधानी कहा जाता है, गांधी नगर और अहमदाबाद के बाद। सांस्कृतिक, शैक्षिक, काफ़ी चीज़ों में इसे काफ़ी आगे माना जाता है। लेकिन आज हमारे साथ MS यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट हैं, इनमें से कृपाल का काम मगरमच्छों पर है। आप रिसर्च कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली MSc में हमारे जो डिसर्टेशन वर्क होता है 6 मंथ्स का होता है, वो मैं क्रोकोडाइल्स पे कर रहा हूँ। इसमें ये जो नदी आप अभी देख रहे थे, ये विश्वामित्री ये शहर के पूरे बीचों बीच से निकलती, कितना होगा इसका? 25 किलोमीटर जितना रूट है इसका, वडोदरा सिटी के अंदर पावागढ़ से निकलती है ये। ऐसा है, इसमें कितने पूरे क्रोकोडाइल्स हैं? पूरी जो विश्वामित्री वडोदरा में है उसमें अराउंड 250 जितने 250 क्रोकोडाइल्स है, अप्रोक्सीमेट इतना है। पहले शायद इससे ज़्यादा भी थोड़े थे, थोड़े सालों पहले, बट ये जो रेस्क्यू एंड ऑल होता है, जो मानसून में पानी आने से जो लेवल बढ़ जाता है, जो बाहर ह्यूमन रेसिडेंस में चले जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू करके फिर दूसरी जगह छोड़ा जाता है, तो थोड़ा पॉपुलेशन इनका फिर कम हुआ है। सो अभी अराउंड 250 जितने हैं, 250 के अराउंड अभी वडोदरा सिटी में। और ऐसा नहीं है कि हम किसी जंगल में खड़े हों, ये शहर के लगभग बीचों बीच ही है। और अमितेश, अगर दाई तरफ दिखाएं तो जो बिल्डिंग दिख रही है, अभी हम थोड़ी देर पहले वहीं थे, वहाँ से 2 मिनट का रास्ता यहाँ का है, यहाँ पर हम आए। और आप बता रहे थे कि यहाँ पर इनके सामने इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत वो क्या है? अभी फिलहाल प्रॉब्लम है एक तो डेवलपमेंट की, जैसे थोड़े कुछ सालों पहले आया था कि रिवर फ्रंट बनने वाला है यहाँ पे, जैसे साबरमती पे बना है वैसे ही रिवर फ्रंट। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो बैंक्स है रिवर के, ये यूज़ करते हैं बास्किंग के लिए, गर्मी लेने के लिए सूरज की। तो इसके लिए अगर जैसे रिवर फ्रंट बन गया तो साइड में वो स्लोप बनेंगे, पूरा कंक्रीट का बनेगा, जो इनके लिए इनके लिए सही नहीं है। वो जो बनेगा कंक्रीट बनेगा, वो नेचुरल जो इनका है वैसा नहीं होगा। सो दे वोंट बी एबल, वो कर ही नहीं पाएंगे उस पर बास्किंग। एक जो स्लोप होता है, जो नीचे सबस्ट्रेटम चाहिए रहता है, वो रहेगा ही नहीं नेचुरल। तो ये पूरी पॉपुलेशन को बहुत ही बड़ा मतलब इफेक्ट करेगा ये। एंड उसको छोड़ के जैसे क्रोकोडाइल्स है, क्रोकोडाइल्स को छोड़ के जैसे टर्टल्स यहाँ पे दिख जाते, कछुए दिख जाते हैं, उसको छोड़, हाँ काफ़ी दिखते हैं, हाँ तो वो भी है पानी के अंदर, पानी के बाहर भी। जैसे ये पूरा, जैसे अभी जो एरिया दिख रहा है पूरा ग्रीन वेजिटेशन वाला, यहाँ पे और भी एनिमल्स है, जैसे वो सब भी अंदर है, तो वो भी इफेक्ट होगा साथ ही साथ रिवर फ्रंट के साथ। तो रिवर फ्रंट वाला मतलब किसका वो प्रपोजल था ऐसा करने का? एक्चुअली है ये गवर्नमेंट का ही है ये, अब एक्चुअली फुल डिटेल अभी तक नहीं मिली है हमको। वो फिर अभी मतलब क्या आगे वो चल रहा है, रुका नहीं है, क्या अभी है? वो रुका हुआ है, ये सब जो इफेक्ट हो रहा है इनके पॉपुलेशन पे, इसकी वजह से थोड़े टाइम पहले ही थोड़ा स्टार्ट किया था JCV से जो मिट्टी विट्टी खुदाई करना, तो उसमें कुछ पता चला है अभी, रिपोर्ट वो आई नहीं है, बट ऐसा पता चला है कि जो क्रोकोडाइल्स के जो एग्स है वो भी थोड़े अंदर डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो बंद करवाया, तो उसके बाद स्टे है, अभी तक कुछ आगे काम नहीं बढ़ा है। कंसेंस बनाने की कोशिश शुरुआत में की थी, मतलब कमिटीज़ बनी थी जिसमें हमारे डिपार्टमेंट से प्रोफेसर्स भी थे, दूसरे जो एनवायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट जो थे, नेचर से रिलेटेड थे, उन लोगों की कमिटीज़ भी बनी थी कि वो अपने आइडियाज़ दें। पर उस पर भी काफ़ी, जहाँ तक हमने अखबारों में पढ़ा है, काफ़ी डिस्प्यूट्स है, तो वो एक कंसेंस बनाने की कोशिश की जा रही है अभी तक, ऐसा सुनने में आ रहा है। आप लोगों ने भी उसका विरोध किया था? विरोध ऐसे तो नहीं हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही खुद वहाँ पे जाके खड़ा हुआ है, उन्होंने ही रोका है काम। एंड हाँ, पब्लिकली विरोध तो हुआ है। अच्छा, पब्लिकली विरोध हुआ? वडोदरा की पब्लिक, जैसे बोलते हैं ना गुजरात की पब्लिक शेरों से अटैच है, तो वडोदरा की पब्लिक भी मगरमच्छ से काफ़ी अटैच्ड है, भले ही वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको पता नहीं, आम आदमी को पता नहीं उनका फ़ायदा या नुकसान, लेकिन अटैच्ड है कि ये हमारे एरिया में है, हमारे घर के पास रहते हैं, ये हमारे शहर के है। ये हम देख रहे थे अभी पुल से जब हम खड़े होकर देख रहे थे, तो देख रहे थे बहुत से लोग वहाँ पर गाड़ी रोक रोक के झांक रहे हैं। स्पेशली मतलब वो ब्रिज ही ऐसा है कि वहाँ पे कभी भी आप आके देख लो, पब्लिक खड़ी होगी क्रोकोडाइल्स देखने के लिए। वो एक जगह ही ऐसी है, स्पॉट बन गया है वो क्रोकोडाइल वॉचिंग के लिए। लेकिन ये नदी तो बहुत गंदी लग रही है, बहुत बदबू भी आ रही है इसमें। ये नदी नहीं रही है, सीवेज लाइन है, मतलब जो पानी आना चाहिए ना नदी का, वो नहीं है, इसीलिए तो उनके दिमाग में वो रिवर फ्रंट का आइडिया है कि इसमें हम साफ पानी आएगा, और वो पर अभी ये शहर का सीवेज इसमें आता है। इसका नाम विश्वामित्री है, लोगों को लगता है कि वडोदरा जाके विश्वामित्री देखेंगे, बट यहाँ आके पता चलता है कि यही विश्वामित्री है, तो फिर लोगों का भी दिल टूट जाता है कि विश्वामित्री ऐसा।
साबरमती रिवर फ्रंट बना है अहमदाबाद में, कि साबरमती नदी है और उसके दोनों पार्टों पर सीमेंट थोप दिया गया है और उसके उसमें पानी, साबरमती नदी में पानी डाल दिया गया है नर्मदा का, तो वो लोगों को किनारे से देख के अच्छा लगता है। और तस्वीरों में भी देखा होगा आपने, वो चाइनीज पीएम आए थे उनके साथ झूले पे बैठे थे अपने पीएम, तो वो उस तरह से लोगों ने देखा होगा। और वैसा ही कुछ यहाँ पर फिर करने का प्लान था कि वो दोनों तरफ बना दें रिवर फ्रंट, लेकिन उससे बड़ी दिक्कत बता रहे हैं कि जैसे कि ये मगरमच्छ अभी देख रहे हैं आप, ये किनारे पर जाकर धूप सेक रहे हैं, लेकिन जब वो रिवर फ्रंट बन जाएगा उससे फिर उन्हें बड़ी दिक्कत होगी। इनके खाने का क्या है? खाने के लिए जैसे देखते हैं कि क्रोकोडाइल्स का ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर नहीं होता, वो बर्ड्स होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, कुत्ते हो गए या सुअर हो गए, वो होते हैं या कुछ भी जो उनको मिल जाए उस पर वो फीड करता है। बट यहाँ पे विश्वामित्री में जैसे बोला इन्होंने कि पूरा सीवेज है, गंदगी पूरी शहर की इसमें जाने देते हैं, फैक्ट्री वेस्ट भी होता है, तो फिश है पर बहुत ही कम है। तो इसीलिए यहाँ पे जो चिकन मटन शॉप वाले जो होते हैं वो डेली इनका जो शॉप का जो वेस्ट होता है वो सारा यहाँ पे मोस्टली जितने भी ब्रिज है सब जगह जो आसपास के शॉप वाले होते हैं वो इसमें रिवर में डाल के जाते हैं, एंड मोस्टली ये इन पे ही फीड करते हैं, इसके ऊपर ही ये जिंदा है ऐसा बोल सकते हैं। इतनी गंदगी होने की वजह से भी क्या क्रोकोडाइल्स को कुछ नुकसान? नहीं, अभी तक जो भी रिसर्च हुई है या जो हुआ है उसके बेसिस पे तो अभी तक ये नहीं बताया गया या ऐसा कुछ मिला नहीं है कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि खाने के लिए ये पानी के अंदर, लाइक पानी से इनको कोई लेना देना, बस पानी के अंदर रहते हैं वो है, बट बाकी कोई इनका उतना है नहीं डिपेंडेंस पानी के ऊपर, तो क्वालिटी से उतना फ़र्क नहीं पड़ा है इनको। एंड क्रोकोडाइल्स का है भी ऐसा कि उनको एकदम साफ पानी भी नहीं चाहिए होता है, थोड़ा मैला नहीं होता है तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसा है। कुछ मतलब सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या किसी और की तरफ से कुछ ऐसी भी कोशिश है कि मतलब इनकी संख्या और बढ़े? कोशिश मतलब ये है, संख्या बढ़ाना तो नहीं कह सकते बट जितनी है उनको प्रोटेक्शन देना हम कह सकते हैं, बिकॉज जैसे आप समझो 25 किलोमीटर का एरिया है उसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जब भी मानसून में पानी का लेवल बढ़ जाता है वो ह्यूमन हैबिटेट में चले जाते हैं, कि वो पानी ज्यादा हो जाता है तो सड़क पर भी सड़क पर आता है, आगे रेलवे है तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए लास्ट ईयर का। से अटैचमेंट है लोगों की, अगर आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो शायद कल ही या परसों ही वहाँ पे एक स्कल्पचर बनाया है वेस्ट में से बेस्ट, वो पूरा शायद 8-10 फुट का एक क्रोकोडाइल ही बना के स्टेशन के बाहर, या इनडायरेक्टली कि इस एरिया को इसको सेव बचाना है, क्योंकि ये सिर्फ मगरमच्छ नहीं, एक आपने आप में देखो पूरा पूरा इकोसिस्टम है, आपको यहाँ इंसेक्ट्स मिलेंगे तो अपने आप में पूरा एक नेचर है इधर। कितनी लंबाई तक के मिलते हैं यहाँ पे? 12 फीट से भी थोड़े लंबे सामने दिख रहा है, ये भी एक लंबा 10 फीट से ज्यादा का ही होगा इसकी लेंथ। आप देख के कुछ एज बता सकते हैं? उनकी एज वैसे हो कह सकते हैं, लेकिन जस्ट देख के नहीं, एक सर्टेन एज के बाद उनकी लेंथ बढ़ना भी स्पीड भी कम हो जाती है, सो कह सकते हैं कि हाँ ये एडल्ट है, बहुत ओल्ड एज है बट परफेक्ट एज नहीं कह सकते उनकी। अच्छा, 50-60 साल तक का इनका होता है लाइफ स्पैन, 60-70 साल तक भी जाता है एवरेज एज, इतना जाता है इनका लाइफ स्पैन, 50-70 इतना इनका एज जाता है। अच्छा, बाकी जगह हम ये देखने को मिलता है कि शिकार होता है जंगली जानवरों का, यहाँ भी वैसी कोई दिक्कत है? नहीं, यहाँ पे वही कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये एक अच्छा काम है प्रोटेक्शन के लिए, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि आज तक अभी लाइक कभी ऐसा देखने नहीं मिला कि इनका कहीं शिकार हुआ हो, पहले होता था बट अभी ऐसा नहीं होता है। एंड वैसे सभी वाइल्ड लाइफ का हंटिंग का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा, पोचिंग का प्रॉब्लम नहीं है गुजरात में। अच्छा। क्योंकि जो जितने भी बड़े एनिमल है उसका डायरेक्ट अटैचमेंट लोगों के साथ है, इसीलिए यहाँ पे पोचिंग का इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। और मतलब क्या किया जा सकता है सरकार की तरफ से इनके लिए? सरकार की तरफ सिवाय इसके कि इनको जिस हालत में वैसे ही छोड़ दे रहा तो ठीक है, उसको छोड़ के अवेयरनेस देखो जैसे है तो सही ये सब है, बट गवर्नमेंट और भी बहुत कुछ कर सकती है, जैसे यही आप देख रहे हो इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे बनाई गई है,
यहाँ से सब पूरा डंपिंग होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ का जो भी सारा कंस्ट्रक्शन का वेस्ट है वो सब नदी में डाला जा रहा है। तो वो एक चीज़ है कि सरकार सिर्फ डेवलपमेंट 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 के नाम पे कॉन्क्रीटाइजेशन ना करे, थोड़ा नेचर के साइड भी देखा करे, ये एक चीज़ है जो देखनी चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वो डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, अर्बनाइजेशन भी चाहते हैं, बट कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं चाहते। वो अभी एक नया वर्ड आया ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इंजीनियर्स है उनको एक प्लानिंग करनी चाहिए कि जिस तरह से डेवलपमेंट भी हो और नेचर भी डिस्ट्रॉय ना हो। जो भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ में सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों को भी देखो, इकोसिस्टम देखो, नेचर देखो, उनको भी साथ में लो। बस ऐसे ही डेवलपमेंट मत करते रहो, जहाँ मिला जगह मिली फ्लैट बना दिए, रोड बना दिए, ये मत करो। अभी हम जहाँ सड़क पर खड़े थे, जो दाएं साइड में दिख रहा है होटल, एकदम किनारे है वो होटल, और हमें देख के लग रहा है कि उसके साइड की जो मिट्टी है वो बाद में उधर से डाली गई है, और थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे कुछ बढ़ाया गया हो। बाकी क्या केस है वो तो बाद में देखने पर पता चलेगा। कर भी सकती है डेवलपमेंट के साथ, इन लोगों का भी डेवलपमेंट कर सकती है, इनका भी प्रोटेक्शन कर सकती है। जैसे हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है गिर में लायन का कंजर्वेशन, तो गवर्नमेंट ने ही किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही किया है जो उनका कंजर्वेशन है। तो वैसे ऐसे जो उत्कृष्ट प्लान है, जो उनकी योजना है, वो यहाँ पे भी वो लगा सकते हैं, ताकि इनका भी कंजर्वेशन हो सके। कुछ आप बता रहे थे कि वर्ल्ड में ये शायद सेकंड नंबर पे है, ये मतलब एक है मेक्सिको में है, कुनलेक करके है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी ह्यूमन पॉपुलेशन है, और साइड में एक वाटर बॉडी है जहाँ पे इतने क्रोकोडाइल्स है। उसके बाद अगर कोई आता है तो एक वडोदरा सिटी है, जहाँ पे भी आप देख सकते हो इतनी पॉपुलेशन है। विश्वामित्री के अगर रिकॉर्ड्स में देखा जाए तो विश्वामित्री के ये जो बैंक्स है, अराउंड 4000 स्लम है सिर्फ इसके किनारे किनारे पे, एंड यहाँ पे 250 जितने क्रोकोडाइल्स भी है। तो ये एक दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पे क्रोकोडाइल्स और पॉपुलेशन इतने एक दूसरे के आसपास रहते हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ है वडोदरा में, अपने आप में एक यूनिक हैबिटेट है, जहाँ मतलब ह्यूमंस भी है, एनिमल्स भी है, और एनिमल्स भी हर टाइप के, इंसेक्ट से लेके रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, तो एक साथ रह रहे हैं, उनका अभी तक आपस में इतना कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। पर अगर वो जो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है, या दूसरे जो विकास के मॉडल है, या फिर जो कॉन्क्रीटेशन कर रहे हैं, तब शायद कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे, गायब ही हो जाए ये सब जो हमको देखने मिल रहा है। आज जो हम यहाँ पे आके आराम से जो देख रहे हैं, वो कल को आज से 4-5 साल बाद देखने ही ना मिले। वडोदरा में जैसे ये बोला जाए कि क्रोकोडाइल्स थे, कभी हुआ करते थे, ऐसा हो सकता है। हाँ, एक दो साल पहले का ही एक ऐसा किस्सा है कि लाइक लोग सुसाइड करने के लिए ऐसे कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं, जंप कर चुके हैं, बट पता नहीं उनका नसीब अच्छा था या क्या कहे, या क्रोकोडाइल्स का उस टाइम पे मूड नहीं था, बट वो लेकिन हाथ पर तुड़वा लेते। हाँ, वो मतलब क्रोकोडाइल्स ने अटैक किया था, ऑब्वियसली उनके हैबिटेट में आप जाओगे तो अटैक तो करेंगे ही, बट वो इंसान जिंदा ही रहा था, उसको निकाल लिया गया था बाद में बाहर, और वो जिंदा ही थे बाद में। आप क्योंकि स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ और ऐसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो लोगों को ना पता हो क्रोकोडाइल्स के बारे में? क्रोकोडाइल्स के बारे में देखिए, ज़्यादा अगर अच्छे से कहे डिटेल में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बस यही है कि वो भी एक जानवर है, उनका भी अपना एक, उनको भी स्पेस चाहिए, आप उनके साथ छेड़खानी मत करो, वो अपने हिसाब से अपनी जगह में रहेंगे, आपको आके परेशान नहीं करने वाले, वो एक सेफ़ डिस्टेंस बना के रखो, बस वही चाहिए। वो कोई भी वाइल्ड एनिमल हो, उनसे बस सेफ़ डिस्टेंस बना के रखो, वो आपको कोई हार्म नहीं करने वाले हैं। तो ये थी वडोदरा में रहने वाले मगरमच्छों की बात, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोग साबरमती की तरह रिवर फ्रंट नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो बस देखने में भले एक बार आई साइट को ठीक लगे, ये भी थोड़ा सा और मतलब थोड़ा वाटर फ्लो हो, इतना बदबू ना आए, तो ये अपने आप जो नेचुरल है वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत होगा। देखने आती है ना, इसको भी देखने आती है, इसको भी देखने आते ही है, तो वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत होगा। और जैसा कि कृपाल ने बताया कि क्रोकोडाइल्स को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस वो जैसे हैं आप उनको वैसे ही छोड़ दीजिए, ये उनके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। पता नहीं ये बात हमारे नेताओं को कभी समझ में आएगी या नहीं आएगी। हमारी तो डिमांड है कि देश में बात पहुंचे। अभी भी प्रधानमंत्री है, देश के अन्य नेताओं या मुख्यमंत्रियों तक कि अपने चुनावी घोषणा पत्रों में या अपनी राजनीति में पर्यावरण को शामिल करें। बिल्कुल, जो अभी यहाँ भाजपा की सरकार है, यहाँ अभी केंद्र में भी, और जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उस सबका साथ सबका विकास में आदमियों लोगों के साथ वो पर्यावरण और उसमें आने वाले जानवर भी शामिल हों। खैर, मुझे उम्मीद नहीं कि कोई नेता इन मगरमच्छों के लिए मगरमच्छ के आंसू भी बहाएगा, जो कहावत में कहते हैं।
लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना हैं जागरूक इस चीज़ को लेकर। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज सब्सक्राइब करिए। दिल ललन टॉप आपको गुजरात चुनाव में, चुनाव के साथ साथ पॉलिटिक्स के साथ साथ जो ऐसे लोकल छोटे छोटे इशू हैं जिनके बारे में बाहर के लोगों को नहीं पता है, उनके बारे में वहीं के लोगों से बात करके दिखाता रहेगा, बताता रहेगा। मेरा नाम है अमित और मेरे साथ हैं अमितेश। दि ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।